जनपद संभल में गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र बरवाला में स्टेट बैंक शाखा का है गुन्नौर के अधिशासी अभियंता जेपी यादव का आरोप है कि बरवाला में स्टेट बैंक की शाखा में बिजली विभाग का खाता है जिसमें बिजली विभाग ने पिछले दिनों बिजली उपभोक्ताओं से वसूली गई धनराशि समेत 24 लाख के चेक जमा कराए थे। स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक ने जमा कराए गए चेक के आधार पर बिजली उपभोक्ताओं के खाते से धनराशि तो ट्रांसफर कर ली लेकिन ट्रांसफर की धनराशि और जमा कराए गए कैश को बिजली विभाग के खाते में जमा नहीं किया गया। इस मामले में स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक से जानकारी करने की कोशिश की गई लेकिन शाखा प्रबंधक द्वारा किसी भी तरह का संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर गुन्नौर कोतवाली में शाखा प्रबंधक के खिलाफ 24 लाख की धनराशि के गबन के आरोप में केस दर्ज कराया गया है। गबन के आरोपी शाखा प्रबंधक ने इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ गबन के आरोप में केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक्शन साहब, बबराला SBI बैंक पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या है मामला? इस प्रकरण में आपको ये बताना है, ये डिवीजन खुला था अप्रैल 18 में और उसी के बाद से हमारे कुछ पैसे मतलब हमारे जो खाते थे विभागी वो SBI बबराला की शाखा में थे। हमारे कंज्यूमरों ने जो हमको चेक देते हैं उन्हीं की रसीद कटती है और पैसे आगे घटते रहते हैं। वो पैसे जो है हमने चेक बैंक में लगाए, बैंक ने उन पैसों को कंज्यूमर के खाते से डिडक्ट भी कर लिया परंतु हमारे खाते में बिजली विभाग के खाते में उन्होंने उसको ट्रांसफ़र नहीं किया। ये हमारे यहाँ विभागीय जांच कह लीजिए या प्रक्रिया भी होती है उसके तहत जांच की गई जिसमें विभिन्न जो है टाइम पे या विभिन्न चेक के माध्यम से कह लीजिए टोटल जो है लगभग 24 लाख रुपये जो थे वो बैंक को हमने ट्रांसफर चेक दिए थे, वो पैसे मेरे खाते में नहीं आए और कहीं ना कहीं जो है अब वो इनकी ही गलती लग रही कहिए या गमन कह लीजिए इनके द्वारा ही किया गया। उसी सिलसिले में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।